हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम एक डिफरेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसमें हम इंफ्रारेड मिसाइल्स की बात करेंगे। तो वेस्ट की सबसे फेमस इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल जो है वो AIM-9 साइडवाइंडर है। तो ये जो मिसाइल है ये 1953 से सर्विस में है और इसके कई सारे वेरियंट्स आए हैं। प्रेजेंट में जो AIM-9X है वो चल रहा है और ये काफ़ी डेडली मिसाइल है क्लोज रेंजेस के लिए। तो ये ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड क्लोज कॉम्बैट मिसाइल्स थी वेस्टर्न एयरक्राफ्ट्स के लिए। बाद में आगे चलकर यूरोप में SRAM ज़्यादा पॉपुलर हो गई, पर ये जो मिसाइल है ये भी काफ़ी डेडली है और जो अभी AIM-9X वेरिएंट चल रहा है उसे काफ़ी ख़तरनाक माना जाता है। तो ये मिसाइल काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी और काफ़ी ज़्यादा बिकी थी। जो भी कंट्रीज़ वेस्टर्न एयरक्राफ्ट उड़ाती हैं या उड़ाती थी उनके पास इसके अच्छे खासे स्टॉक रखे हुए हैं, स्पेशली ये जो M और L वेरिएंट है उनके। तो जर्मनी की कंपनी है डील डिफेंस, उन्होंने प्लान किया था कि ये जो M और L वेरिएंट है AIM-9 साइडवाइंडर के, उनको एयर टू ग्राउंड प्रिसीजन गाइडेड वेपन में कन्वर्ट किया जाएगा, क्योंकि ये जो वेरिएंट्स हैं ये आजकल के कॉम्बैट सिनेरियो में ऑब्सोलीट हो गए हैं, जब और भी ज़्यादा डेडली और मनवरेबल क्लोज कॉम्बैट मिसाइल्स अवेलेबल हैं। तो ये जो पुरानी मिसाइल्स हैं उन्होंने इसका बेटर यूज़ ढूंढा और इसे एयर टू ग्राउंड प्रिसीजन गाइडेड वेपन में कन्वर्ट करने का प्लान किया। इंटरेस्टिंगली ये पहली बार नहीं हो रहा है कि जब साइडवाइंडर को एयर टू ग्राउंड वेपन में कन्वर्ट किया जा रहा है। एक और मिसाइल बनाई गई थी AGM-122 साइड आर्म, जो कि एक एंटी रेडिएशन मिसाइल थी, वो भी साइडवाइंडर से ही बनाई गई थी। साथ ही साथ ईरान ने भी कोशिश करके इसका एक मैन पैड वाला वर्जन बनाया था और अब इसको कन्वर्ट किया जा रहा है एयर टू ग्राउंड लेज़र गाइडेड प्रिसीजन वेपन में। तो लेज़र गाइडेड रॉकेट्स भी एग्जिस्ट करते हैं, हाइड्रा रॉकेट्स का भी एक लेज़र गाइडेड वर्जन आता है, पर जो रॉकेट्स है उसके लिए आपको पॉड्स लगाने पड़ते हैं जो कि काफ़ी हैवी हो जाते हैं और एरोडायनामिक परफॉर्मेंस को भी वो कम कर देते हैं। साथ ही साथ जो उनकी रेंज होती है वो भी कम होती है। वहीं पर साइड वेंडर की बात करें तो इसको एरोडायनामिकली डिज़ाइन किया गया है ताकि ये जो एयरक्राफ्ट की एरोडायनामिक परफॉर्मेंस है उसको बहुत ज़्यादा ख़राब ना करे। दूसरी चीज़, इसकी रेंज भी ज़्यादा होगी। तीसरी चीज़, ये हाईली एक्यूरेट होगी तो कोलेटरल डैमेज कम होगा। तो इन मिसाइलों को ग्रिपिन एयरक्राफ्ट से टेस्ट किया गया और ग्राउंड टारगेट को डिस्ट्रॉय किया गया था। तो ये जो मिसाइलें हैं इनको बड़े नंबर में लिया जाता है और मेनली स्टोरेज में स्टोर करके रखा जाता है एयर टू एयर कॉम्बैट के लिए, जो कि बहुत रेयरली होती है। तो इन मिसाइलों की जो लाइफ है वो या तो स्टोर में रखे रखे ख़त्म हो जाती है या तो वो ऑब्सोलीट हो जाती हैं। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि इनको एयर टू ग्राउंड प्रिसीजन गाइडेड वेपन में कन्वर्ट कर दिया जाए, जो कि काफ़ी एक्यूरेसी से लॉन्ग रेंजेस में टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सके और कोलेटरल डैमेज भी कम हो, क्योंकि जो मॉडर्न वॉरफेयर है उनको माना जाता है वो अर्बन वॉरफेयर हो सकती हैं, जहाँ पर ज़्यादा मात्रा में सिविलियन पॉपुलेशन रहती हो तो वहाँ पर आप कोलेटरल डैमेज कम करना चाहेंगे। तो ये उस मामले में काफ़ी ज़्यादा काम आ सकता है और साथ ही साथ जो आपकी पुरानी मिसाइल्स हैं उनका भी यूज़ हो जाता है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि यहाँ से इंडिया क्या सीख सकता है। तो ये बात सबको पता है कि हम कितने बड़े यूज़र रहे हैं सोवियत एयरक्राफ्ट के, चाहे वो MiG-21 की सीरीज़ हो, उसके बाद MiG-27, MiG-23 और MiG-29 ही क्यों ना हो। तो अगर हमने इतने बड़े नंबर में मिग्स को ऑपरेट किया है तो उसके साथ जो एयर टू एयर मिसाइल आई होंगी क्लोज कॉम्बैट की, वो कितने ज़्यादा बड़े नंबर में होंगी ये आप सोच सकते हैं। यहाँ पर अगर मिग्स की बात ना करें तो मिराज के साथ जो क्लोज कॉम्बैट की MiG-2 मिसाइल आई थी वो अब ऑब्सोलीट हो गई है, नए अपग्रेडेड एयरक्राफ्ट में नहीं लगती है। तो R-60 मिसाइल्स हो गई, R-73 के पुराने वेरिएंट्स हो गए और MiG-2 मिसाइल्स का कितना बड़ा स्टॉक हम लोग मेंटेन करते होंगे ये सोचने वाली बात है। और ये जो मिसाइल्स हैं ये बहुत रेयरली कॉम्बैट में यूज़ हुई होंगी, इनकी जो लाइफ है वो स्टोरेज में ही ख़त्म हो गई होगी और वहीं पर ये ऑब्सोलीट हो गई हैं। तो इनको वेस्ट करने से बेटर है कि एयर टू ग्राउंड प्रिसीजन गाइडेड वेपन में कन्वर्ट कर दिया जाए, और क्योंकि ये लेज़र गाइडेड मिसाइल्स होंगी तो ये हेलीकॉप्टर से भी फायर करी जा सकती होंगी। भले ही ये मिसाइल जो है वो आज ऑब्सोलीट है, क्योंकि जो एयर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं वो बहुत एडवांस हो गए हैं, उन्हें पता है इन मिसाइलों को चकमा कैसे देना है, पर एयर टू ग्राउंड रोल में ये मिसाइल अभी भी इफ़ेक्टिव होंगी। तो इसी बात पे इसे ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।